ह्यूमन स्टमक कैन डिसॉल्व रेजर ब्लेड्स। इंसान का जो पेट है, ह्यूमन स्टमक जो है, वो रेजर जिससे हम लोग शेविंग करते हैं उसके ब्लेड को भी डिसॉल्व कर सकता है, गला सकता है, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है। हम सब जानते हैं हमारे स्टमक में एसिड मौजूद है, HCL मौजूद है, खाना को पचाने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और ऐसा देखा गया है, ऐसा एक जर्नल में पढ़ा गया कि जो ह्यूमन के पेट में, ह्यूमन स्टमक में एसिड है, उसका pH 1.0 से 2.0 है, मतलब इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड किसी ब्लेड को भी डिसॉल्व कर सकता है, बल्कि डिसॉल्व कर चुका है। एक जर्नल थी जिसका नाम था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, उसमें ये देखा गया, उसमें ये बताया गया कि वो ब्लेड 2 घंटे में पूरा गल गया था, डिसॉल्व हो गया था। सो इफ यू एवर स्वालो अ रेजर ब्लेड, डोंट पैनिक, द ह्यूमन बॉडी इज मोर कैपेबल देन यू थिंक। एसिड्स ऑन आवर इन आवर स्टमक हैव पीएच 1.0 टू 2.0, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एक स्टडी जिसका नाम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी जर्नल था, उसमें बताया साइंटिस्ट ने कि 2 घंटे बाद एक ब्लेड को डाल दिया था ये स्टमक एसिड में, 2 घंटे बाद पता चला कि वो पूरा गल चुका था, वो डिसॉल्व हो गया था। दैट द सिंगल एज्ड ब्लेड डिसॉल्वड आफ्टर 2 आवर्स ऑफ इमर्शन इन स्टमक एसिड। सो अगर आप ब्लेड को खा जाएं रेजर, तो घबराइएगा मत, वो कुछ देर बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, वो गल जाएगा आपके पेट में।